साबूदाना वड़ा कुछ इस तरह से बनाइए कि कुछ टेस्ट अलग ही आ जाए। इसके लिए मैंने साबूदाना 1 कप, इसको 2 से 3 बार धो के 5 घंटा भिगा के रेडी कर लिया है। एक बाउल में ले लेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज के आलू मैंने मैश कर लिए हैं, ये डाल देंगे। ग्राम इसमें ये रोस्टेड भुनी हुई मूंगफली जो मैंने दरदरी पीस ली थी, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून ये सेंधा नमक, बारीक कुटी हुई ये 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 टीस्पून ये शुगर, चीनी आपको अच्छा लगे तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते। टोटली ऑप्शनल है ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा काफ़ी सारा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से फिर हाथों से ही मिक्स करना है। उसको ज्यादा मिक्स करना है नहीं, अच्छे से बाउंड हो जाए तब तक हमें इसको मिक्स करना है। हाथों में थोड़ा सा पानी या तो तेल लगाना है इस तरह से। और आपको कितना साइज रखना है आपके हिसाब से, साइज में इस तरह से गोल बॉल बना लीजिए दोनों हथेली के बीच में, इसको प्रेस कर दीजिए। सिंपल साबूदाना वड़ा को शेप दे दिया है। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब इसमें हम 2-2, 3-3 करके साबूदाना वड़ा जो है डालते जाएंगे। ज़्यादा डालेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। और इसको 40 से 50 सेकंड बिल्कुल हिलाना नहीं है, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे उसको अलग करने जाएंगे तो ये जारे में भी चिपक जाएंगे। 2.5 से 3 मिनट में हमारे साबूदाना वड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए एकदम वाइट सफेद मोती जैसे दाने। होटल और रेस्टोरेंट जैसा व्रत में खाने वाला साबूदाना बनके तैयार है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।